दिवाली की शाम दिल्ली वासियों ने दिल्ली सरकार और एनजीटी के खिलाफ खुलकर नाफरमानी की। पटाखों की बिक्री और उपयोग पर 30 नवंबर तक एनजीटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और दिल्ली सरकार द्वारा पटाखे न जलाने के लिए किए गए आग्रह को जनता ने नहीं माना और जमकर पटाखे जलाए। आलम यह था कि दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में चली गई। आनंद विहार में AQI 481, IGI एयरपोर्ट पर 444, ITO पर 457 और लोधी रोड पर 414 पहुंच गया। पराली के धुएं और प्रदूषण के कारण पहले से खराब दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई। गोविंदपुरी, कालकाजी, ग्रेटर कैलाश से लेकर इंडिया गेट तक के इलाके में हवा की गुणवत्ता खराब हुई। पटाखों के प्रदूषण की वजह से कॉलोनियों में धुएं की चादर पसर गई। कानपुर की जनता ने प्रशासन और एनजीटी के आदेशों को पटाखों के साथ ही धुआं कर दिया। कानपुर में यही वजह रही कि जहां दिवाली वाले दिन शाम 6 बजे तक AQI 188 मापा गया था, वो 8 बजते ही 350 के पार हो गया और रात 9 बजे तक 500 के पार पहुंच 522 अंक मापा गया। दरअसल कानपुर की जनता ने जमकर आतिशबाजी की और पटाखे जलाए। फिर भी माना जा रहा है कि इस साल जनता ने संयम दिखाया है और प्रदूषण का स्तर पिछले साल के मुकाबले कम रहा है। 2019 की दिवाली में कानपुर में AQI 800 के पार था, इस साल इसमें 40% की गिरावट आई है। देश भर में शनिवार को दीपावली की धूम दिखी। दिन भर लोग घर की साज सजा में लगे रहे और रात में हर जगह लाइट्स और दीयों की रोशनी टिमटिमाती रही। दिल्ली में संसद भवन और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसी इमारतों को खूब रोशन किया गया। वहीं कोलकाता में भी बेहद सुंदर नजारा हावड़ा ब्रिज पर देखने को मिला। ब्रिज रोशनी से जगमग था और उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज है। नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA सरकार के गठन को लेकर नव निर्वाचित विधायकों की बैठक पटना में आज यानी 15 नवंबर को बुलाई गई है, जिसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे। इसमें BJP के कई बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। अगली सरकार NDA ही बनाएगा और मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। इससे पहले BJP विधायक दल की भी बैठक होगी। पार्टी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। इस बीच सरकार गठन व कामेश्वर चौपाल को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मीडिया में जारी चर्चा के बीच BJP आला कमान ने राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी को दिल्ली तलब किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बिहार में एक बार फिर से NDA की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस बीच राजद नेता मनोज झा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, उनके पास बहुमत बेहद कम है। इस संख्या बल पर वो लंबे वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते हैं। मनोज झा का कहना है कि बिहार में जनता ने जनादेश दे दिया है। जनादेश और शासनादेश में लोगों ने फर्क देख लिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये बदलाव का जनादेश नहीं होता तो नीतीश कुमार 40 सीटों पर नहीं सिमट जाते। 40 सीट वाले मुख्यमंत्री बनने का फिर से सपना देख रहे हैं, क्योंकि जनादेश और शासनादेश दोनों में फर्क देख लिया है लोगों ने। बदलाव का जनादेश नहीं होता तो नीतीश जी 40 सीट पे नहीं जाते। बदलाव के जनादेश के लिए अगर वो उस हिसाब से कदम नहीं उठाते तो बिहार का युवा जो नौकरी के लिए लालायित था, संविदा कर्मी जो नियमितीकरण चाहता था, आशा कर्मी, जीविका दीदी, रसोईया, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, जिसके नियमितीकरण की बात और उन्होंने उसको पकड़ लिया था, मैं समझता हूं इस तरह के मुद्दे जनादेश के अंतर्निहित तत्वों में बदलाव का संकेत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी से हंगामा मचा है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अपने नेता के समर्थन में उतरकर ओबामा को खरी खोटी सुनाई है। ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी कर आचार्य प्रमोद ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के भगवान हैं और जिसे जो करना है कर ले। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ओबामा राहुल गांधी के सहपाठी रहे हैं? क्या राहुल गांधी जिस स्कूल में पढ़े हैं ओबामा उसमें मास्टर थे?
ओबामा राहुल गांधी के साथ पढ़े हैं क्या, या जिस स्कूल में राहुल गांधी पढ़े उस स्कूल में वो मास्टर थे, या उन्होंने काबिलियत के सर्टिफिकेट देने का कोई इंस्टीट्यूट खोल रखा है? बराक ओबामा को ये कैसे पता चला कि राहुल गांधी अयोग्य है? बराक ओबामा को ये कैसे पता चला कि राहुल गांधी अपरिपक्व है, काबिल नहीं है, नर्वस छात्र है? बराक ओबामा को ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं के भगवान है, अपनी सीमा में रहे बराक ओबामा, या फिर खुल के कह दें कि वो भी मोदी जी के अंधे भक्त हो गए हैं। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक दल अभी से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां तक गठबंधन का सवाल है तो वो छोटी पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं और बड़े दलों के साथ गठबंधन की नहीं सोच रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन के भी साफ संकेत दिए। उन्होंने कहा कि तालमेल के हालात में वो शिवपाल को कैबिनेट मंत्री भी बनाएंगे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं, जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। इस बीच खबर है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंगाल सरकार कर्मसाथी स्कीम के तहत 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटेगी। ममता सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी मोटरसाइकिल पर एक ऐसा बॉक्स लगाया जाएगा जिस पर लाभार्थी फल, सब्जियां, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे सामान रखकर बेच सकें। सीएम ममता ने कहा है कि लोग इससे न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि उनसे जुड़े लगभग 10 लाख लोगों को भी लाभ मिलेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी लाभार्थियों को राज्य सहकारी बैंकों द्वारा कम ब्याज पर लोन प्रदान किया जाएगा और साथ ही राज्य सरकार उन्हें पूरी प्रक्रिया में सहायता करेगी। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से किए सीज फायर उल्लंघन पर भारत का रुख सख्त है। गोलीबारी को सख्ती से लेते हुए भारत ने शनिवार को पाकिस्तान उच्चायुक्त को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तरफ से जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने की कार्रवाई का भारत कड़ाई से आलोचना करता है। यह घृणित है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में गोलीबारी कर शांति व्यवस्था बिगाड़ने के लिए त्योहार का मौका चुना। पाकिस्तान की ओर से शुक्रवार को नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया गया था, जिसका भारत ने भी कड़ा जवाब दिया।